Assalamu alaikum everyone. So welcome back to my channel, and today we are going to study the book Culture and Anarchy by Matthew Arnold. Okay, so this is the very first chapter of Matthew Arnold's Culture and Anarchy. This is Sweetness and Light. Okay, so hum dekhenge ki is chapter mein aakhir hai kya sweetness and light mein, isme kya bataya gaya hai hame, अर्नल्ड ने हमें क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश की है. पिछला ऐसे जो हमने पढ़ा है ना, वो भी कल्चर के बारे में, ई एम फोस्टर का डज कल्चर मैटर, ठीक है. और ये जो ऐसे है ना, स्वीटनेस एंड लाइट, जो फर्स्ट चैप्टर है कल्चर एंड एनार्की का, ये भी क्या है, ये भी पूरा का पूरा कल्चर के ही बारे में है. अच्छा, कल्चर के बारे में, लेकिन उस ऐसे से क्या बहुत कंट्रास्ट है, ठीक है. मैथ्यू अर्नल्ड की जो डेफिनेशन है ना कल्चर की, ये इसने जैसे कल्चर को एक्सटेंड किया है वो बिल्कुल ही अलग है एज कम्पेयर टू ई एम फोस्टर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेस्टिंग आवर टाइम. सो अब इसके स्टार्टिंग का स्टाइल देखिए. कह रहे हैं कि द डिस्पार्चर्स ऑफ कल्चर्स मेक इट्स मोटिव क्यूरियोसिटी. ओके, सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द होल एसे. अगर ये पूरा चैप्टर आप लोगों ने समझना है ना, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. स्पेशली इसमें इस लाइन में कैसा वर्ड है जो आपको अपने जहन में रखना होगा, और फिर आपको आगे चलना पड़ेगा इस ऐसे को समझने के लिए, इस चैप्टर वन स्वीटनेस एंड लाइट को समझने के लिए, ठीक है. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें 9463 वर्ड्स हैं, ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट लाइन्स नहीं होंगी ना, मैंने उसे रेड वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो मैं उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है. अगर आप लोगों को उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा वो भी लेकिन वो इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है, ठीक है. और ऐसे बहुत बड़ा है तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हाईलाइट करूँगा इसमें, ठीक है. फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ लगे कि मैंने सही एक्सप्लेन नहीं की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसे सही को से एक्सप्लेन करके आप लोगों को दे दिया जाएगा, या जहां आपको लगे कि हम गलत हैं आप हमें सही कर सकते हैं फिर कमेंट्स. ओके, सो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ये चैनल बनाए आप लोगों के लिए, और ये चीज़ें इंटरनेट पर और कहीं भी नहीं मिलेंगी जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, ठीक है. ओके, द डिस्पार्चर्स ऑफ कल्चर मेक इट्स मोटिव क्यूरियोसिटी. अब इसका क्या मतलब है, डिस्पार्चर्स कौन होते हैं, जो किसी के बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, ठीक है, जो किसी के बारे में अलग अलग व्यूज़ देते हैं, वो होते हैं डिस्पार्चर्स, जो किसी चीज़ को बदनाम करते हैं, ठीक है. तो आर्नल्ड कह रहा है कि द डिस्पार्चर्स ऑफ कल्चर को बदनाम करने वालों ने क्या किया है, मेक इट्स मोटिव क्यूरियोसिटी. वो बताते हैं कि कल्चर का जो मोटिव है ना, जो मकसद है, वो क्या है, वो जस्ट ओनली क्यूरियोसिटी है, ठीक है. अच्छा, हम तो बहुत अच्छे सेंस में क्यूरियोसिटी को यूज़ करते हैं ना, लेकिन जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लैंड के वो लोग हैं, वो क्यूरियोसिटी को इतने अच्छे सेंस में यूज़ नहीं करते, ठीक है. अच्छा, एक एक्सक्यूज़ मैं आप लोगों को शुरू में करना चाहूँगा कि वीडियोस में और भी दूसरे साउंड भी आ सकते हैं, नॉइज़ भी आ सकता है, थोड़ा शोर भी आ सकता है, कुछ एनिमल की वॉइस भी आ सकती हैं, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्री साइड पर हूँ, तो इस वजह से ऐसी आवाज़ें अक्सर मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी. उन वॉइस को इग्नोर करके आप वीडियो के मैसेज पर गौर कीजिएगा, ठीक है. लाइन्स और एक्सप्लेनेशन पर अपना ध्यान दीजिएगा. ओके, अब इसमें इसने कह दिया कि जो डिस्पार्चर्स हैं कल्चर की, वो बताते हैं कि इसका मोटिव क्या है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है. लेकिन क्यूरियोसिटी की मीनिंग क्या है, अब ये क्यूरियोसिटी वर्ड आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है. आगे कह रहा है कि समटाइम्स इंडीड, कभी कभार तो बेशक, दे मेक इट्स मोटिव मेयर एक्सक्लूसिवनेस एंड वैनिटी. कभी कभार तो वो जो डिस्पार्चर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि जो कल्चर है ना, इसका मोटिव क्या है, मेयर बस एक्सक्लूसिवनेस एंड वैनिटी, ठीक है. इसका जो मकसद है वो एक्सक्लूसिवनेस है, ठीक है. वैनिटी है, मींस वैल्यूलेस, कुछ भी नहीं है कल्चर. जैसे हमने पिछले ऐसे अपने में देखा था ना डज कल्चर मैटर में, वहाँ भी लोग कहते थे
कि ये इसमें तो सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा, इसमें क्या है, ये तो साइंस का दौर आ गया है, अब कल्चर को क्या करना है हमने, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी कह रहे हैं कि वो कभी कभार तो कह देते हैं कि ये क्यूरियोसिटी है, कल्चर का जो मकसद है और कुछ नहीं है क्यूरियोसिटी के अलावा, और इसके अलावा और क्या कहते हैं जो डिस्पार्जर्स हैं, वो कह देते हैं कि इसका मकसद एक्सक्लूसिवनेस एंड वैनिटी है। वैनिटी होती है कोई चीज़ हद से ज़्यादा, जैसे गुरूर होता है ना उसमें भी हम वैनिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हुआ है वैल्यूलेस की सेंस में, ठीक है, सिर्फ वैल्यूलेस है और ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे ये मैंने रेड कलरिंग की हुई है, ये लाइन्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं सेंस दे देता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है इन लाइन्स में। यहाँ पर यह यही कह रहा है कि यह जो कल्चर है ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, लैटिन एंड ग्रीक से, ठीक है, जैसे वो करते हैं वैसे ही उनको फॉलो करके हमने कल्चर बना लिया है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ क्यूरियोसिटी ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार क्यूरियोसिटी तो अच्छी चीज़ होती है ना, हम कहते हैं कि आप लोगों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए आपको स्टडी के लिए, क्यूरियस तो अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर क्यूरियस अगर ये इसका मोटिव बता रहे हैं तो ये डिस्पार्जर्स कैसे हो गए, ये इसके बारे में बुरा भला कहने वाले कैसे हो गए, ये तो अच्छा कहने वाले हुए ना फिर। अब ये चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी, इसे हम आगे जाकर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ वैल्यूड इधर आउट ऑफ शीर विनिटी एंड इग्नोरेंस। अब इसने फिर वही बात कर दिया यहाँ पर कि कल्चर ऐसा जो कल्चर है ना, इसकी हम वैल्यू कैसे कर सकते हैं इसे इग्नोर करके, ठीक है, इग्नोर कर दो इसे, वैनिटी, आउट ऑफ शीर वैनिटी, ठीक है, शीर कहते हैं जस्ट ओनली, और वैनिटी वही चीज़ हो गई क्वालिटी ऑफ बीइंग वैल्यूलेस। ऐसे कल्चर की इज्जत हमें ऐसे ही करनी चाहिए, यही समझ कर कि ये वैल्यूलेस है, इग्नोरेंस, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, नज़रअंदाज कर दो, और एल्स या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये इस कल्चर को हम यह समझ सकते हैं एल्स एन इंजन ऑफ सोशल क्लास डिस्टिंक्शन, ये जो कल्चर है ये इसकी वजह से क्लास डिस्टिंक्शन होती है, ठीक है, लोगों में ग्रुप बनते हैं, क्लासेस बनती हैं, सेपरेटिंग इट्स होल्डर, और जो कल्चर है वो क्या करता है, जिसने कल्चर को अपनाया होता है, होल्डर मीन्स जिसने अपनाया होता है कल्चर को, ठीक है, उसे सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं, कहाँ से कैसे अलग करती हैं, लाइक अ बैज और टाइटल, जैसे उस पर कोई टाइटल लग गया हो, कोई बैज लग गया उसके ऊपर, फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से, हु हैव नॉट गॉट इट, जिन्होंने कल्चर को अपनाया नहीं होता, ठीक है। अब कह रहा है कि यह तो वो कल्चर है जो लोगों में क्लास डिस्टिंक्शन का बाइस बन रहा है, का रीज़न बन रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर करो भाई, यह कल्चर हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये कौन कह रहे हैं, ये डिस्पार्जर्स कह रहे हैं, इग्नोर करो इसे, ये आउट ऑफ शीर वैनिटी वैल्यूलेस चीज़ है, क्यों, क्योंकि ये क्लास डिस्टिंक्शन पैदा कर रहा है, लोगों को एज अ बेज और टाइटल दूसरे लोगों से अलग कर रहा है ये, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि नो सीरियस मैन वुड कॉल दिस कल्चर और अटैच एनी वैल्यू टू इट एज अ कल्चर एट ऑल, कोई भी संजीदा इंसान होगा ना वो ऐसी चीज़ को कल्चर नहीं कहेगा, वो तो समझ ही नहीं सकता कि यार ये कल्चर कैसे हो सकता है जो लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ, जो उनके ऊपर बैज लगा रहा हूँ, जो क्लास डिस्टिंक्शन कर रहा हूँ, और ना ही इसके साथ कोई वैल्यू अटैच करेंगे कल्चर समझकर, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। टू फाइंड रियल ग्राउंड फॉर द वेरी डिफरिंग एस्टिमेट वो सीरियस पीपल विल सेट अपॉन कल्चर, अब कह रहा है कि अगर हमने ग्राउंड मीन्स बेस पता करनी है ना, फॉर द वेरी डिफरिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट कहते हैं अंदाजे लगाना, बातें करना, ठीक है, डिफरिंग अलग अलग, वो सीरियस मीन्स सेट अपॉन कल्चर, जो सीरियस बंदों ने कल्चर के बारे में सोची हुई है, अगर इन चीज़ों की बेस पता करनी है ना कि ये हुआ कैसे ये सब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट फाइंड सम मोटिव फॉर कल्चर, तो हमें कल्चर के लिए कुछ मोटिव फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ विच में लाई रियल एम्बिग्विटी, ऐसे मोटिव जो सच में एक एम्बिग्विटी पैदा कर रहे हो, एक शक पैदा कर रहे हो, ठीक है, एंड सच मोटिव्स द वर्ड क्यूरियोसिटी गिव्स अस, और ऐसा मकसद जो हमें मकसद चाहिए वो कौन सा वर्ड देता है हमें, क्यूरियोसिटी। आप लोगों को मैंने कहा था ना कि क्यूरियोसिटी को अपने जहन में रखना,
ये वर्ड इसी को देखकर हम आगे जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस से आगे, ठीक है। तो अब देखो, फिर इसने वही बात कर दी कि ये जो वर्ड क्यूरियोसिटी है ये हमें वैसा ही एक मकसद दे सकता है जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि रियल एम्बिग्यूटी है क्या, असल शक की वजह है क्या, लोग कल्चर से इतनी नफरत, कल्चर के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं आखिर। अब क्या होगा कि ये, अच्छा ये फर्स्ट पैरा हो गया हमारा, फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्यूरियोसिटी को ही डिफाइन कर रहा है अर्नम, ठीक है, क्यूरियोसिटी के ही बारे में बता रहा है कि क्यूरियोसिटी है क्या। अब आगे कह रहा है ये कि आई हैव बिफोर नाउ पॉइंटेड आउट दैट वी इंग्लिश डू नॉट लाइक फॉरेनर्स। अब कह रहा है कि हम जो इंग्लिश है ना, अंग्रेज हैं हम जो, हम फॉरेनर्स दूसरे ममालिक के लोगों की तरह नहीं है, ठीक है। ये कैसे देख लेते हैं, यूज़ दिस वर्ड इन अ गुड सेंस एज वेल एज इन अ बैड सेंस, ओके। दूसरे ममालिक वाले जो कि इस वर्ड को गुड सेंस में भी और बैड सेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उनकी तरह नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं, विथ अस द वर्ड इज ऑलवेज यूज इन सम वर्ड दिस अप्रूविंग सेंस। अब देखो ये रहा, अब कह रहा है कि जो क्यूरियोसिटी है वो हमारे यहाँ डिसअप्रूविंग सेंस में यूज होती है, ठीक है। और डिसअप्रूविंग क्या होता है, समथिंग नेगेटिव, कि हमारे यहाँ ये जो चीज़ है क्यूरियोसिटी इसे अच्छा नहीं समझा जाता, ये डिसअप्रूविंग सेंस में यूज होती है। तो द डिस्पार्जर्स ऑफ कल्चर मेक इट मोटिव क्यूरियोसिटी, मीन्स इसका मोटिव उन्होंने नेगेटिव बता दिया, ये क्यूरियोसिटी हमारे वाली क्यूरियोसिटी नहीं है जो हम समझते हैं, नहीं, ये क्यूरियोसिटी उनकी क्यूरियोसिटी है। तो वो कहते हैं कि कल्चर का मोटिव सिर्फ क्यूरियोसिटी है, ठीक है, मेयर एक्सक्लूसिवनेस इन वैनिटी है, ये है कल्चर का मकसद। अब आगे इसने यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि ये डिसअप्रूविंग सेंस में हमारे यहाँ यूज़ होता है। तो कल्चर को जो डिस्पार्चर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लोगों को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि ए लिबरल एंड इंटेलिजेंट इगनेस अबाउट द थिंग्स ऑफ द माइंड मे बी मेंट बाय अ फॉरेनर व्हेन ही स्पीक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, बट विद अस द वर्ड ऑलवेज कन्वेज अ सर्टेन नोशन ऑफ फ्रिवोलस एंड अनएडिफाइंग एक्टिविटी। अब देखो उसने आगे और क्लियर कर दिया कि जब जो फॉरेनर होते हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, उनका जो सेंस है वर्ड क्यूरियोसिटी के बारे में, हो सकता है कि वो ये सोचते हों कि लिबरल मीन्स आज़ाद ख्याल एंड इंटेलिजेंट इगरनेस अबाउट थिंग्स, चीज़ों को देखने की एक इंटेलिजेंसी, उसे यह कह रहा है क्यूरियोसिटी, ठीक है। लेकिन वेन ही स्पीक्स ऑफ क्यूरियोसिटी, ओके, बट विद अस द वर्ड ऑलवेज कन्वेज अ सर्टेन नोशन ऑफ फ्रिवोलस एंड अनएडिफाइंग एक्टिविटी। और अब ये कह रहा है कि लेकिन हमारे साथ क्या होता है, ये जो वर्ड है ये फ्रिवोलस, ठीक है, और अनएडिफाइंग एक्टिविटी को ही शो करता है, ओके। फ्रिवोलस क्या होता है, फ्रिवोलस मीन्स कुछ चीज़ जो होती है जो हल्की होती है बिल्कुल ही, अदना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एंड अनएडिफाइंग एक्टिविटी, और कौन सी एक्टिविटी, अनएडिफाइंग मीन्स वो एक्टिविटी जिससे हमें कोई भी फ़ायदा ना हो, अनएडिफाइंग कहते हैं। अगर इसकी आप मीनिंग देखेंगे, इसकी मीनिंग है नॉट हैविंग द रिजल्ट ऑफ इम्प्रूविंग मोरेलिटी इंटेलेक्ट और ईटीसी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ना ही मोरेलिटी इम्प्रूव होती है ना ही हमारी इंटेलेक्चुअलिटी इम्प्रूव होती है। तो क्यूरियोसिटी ऐसी चीज़ को कहा जाता है। अब डिस्पार्जर्स ऑफ कल्चर ने इसका मोटिव क्या बताया है, क्यूरियोसिटी मीन्स ये एक फ्रिवोलस चीज़ है, हल्की चीज़ है कल्चर, और क्या है, अनएडिफाइंग एक्टिविटी है कल्चर, ठीक है, मीन्स जिससे हमारी कोई भी मोरेलिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अब आगे ये कह रहा है कि इन द क्वार्टरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू एक मैगजीन या न्यूज़पेपर होगा, सम लिटल टाइम अगो, कुछ वक्त पहले, वाज एन एस्टिमेट ऑफ सेलिब्रेटेड फ्रेंच क्रिटिक। सेलिब्रेटेड फ्रेंच क्रिटिक मीन्स एक मशहूर फ्रेंच क्रिटिक था, उसने अपना एक एस्टिमेट मीन्स नज़रिया बयान किया था, मिस्टर सैन ब्यू ये उसका नाम है, एंड वेरी इनएडिक्वेट एस्टिमेट इन माई जजमेंट इट वॉज।
अब वो कह रहा है कि मेरी जजमेंट में वो जो एस्टिमेट था वो क्या था, वेरी इनएडिक्वेट। ओके, अब ये इनएडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट कहते हैं किसी भी चीज़ को जो इनफ हो, ठीक है, काफ़ी हो या एक्सेप्टेड हो। लेकिन इनएडिक्वेट क्या हो गया, जो एक्सेप्टेड ना हो, काबिल कबूल ना हो, ठीक है। एंड इट्स इनएडिक्वेसी कंसिस्टेड चीफली इन दिस। अब वो कह रहा है कि इसकी जो इनएडिक्वेसी है, मीन्स ये क्यों काबिल जो है वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसने ये बात कही थी, कंसिस्टेड चीफली इन दिस, इस बात में चीफली ज़्यादा तौर पर कंसिस्टेड है। क्या कहा था इसने ऐसा, दैट इन आवर इंग्लिश वे इट लेफ्ट आउट ऑफ साइट द डबल सेंस रेयरली इन्वॉल्व्ड इन द वर्ड क्यूरियोसिटी। अब कह रहा है कि इसने कहा था कि हमारे इंग्लिश वे में जो हम अंग्रेज हैं हम क्या करते हैं, जो वर्ड क्यूरियोसिटी में डबल सेंस था ना, उसको हमने क्या कर दिया, लेफ्ट आउट ऑफ साइट, वो हमारी नज़रों से ही गायब हो गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ क्यूरियोसिटी का एक ही मतलब होता है, क्या होता है ऊपर हमने देखा है अभी, ट्रिवियलाइज इन एन एडिफाइंग एक्टिविटी। लेकिन इसने कहा नहीं, डबल सेंस होते हैं क्यूरियोसिटी के, ठीक है, इसकी इसलिए इसकी जो स्टेटमेंट है वो इनएडिक्वेसी है, ठीक है, इनएडिक्वेट है। ओके, थिंकिंग इनफ वाज सेड टू स्टैम्प मिस्टर सेंट ब्यू विद ब्लेम। ओके, उसकी यही सोच काफ़ी है मिस्टर सेंट ब्यू को ब्लेम करने के लिए कि उसने ये चीज़ कह दी कि इंग्लिश वे में जो वर्ड क्यूरियोसिटी उसमें डबल सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो हमारे सेंसेस से अब गायब हो चुके हैं। ओके, अब फिर मैंने यहाँ पर ये लाइंस जो हैं इनको रेट किया हुआ है, मीन्स ये लाइंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 5 पैराग्राफ को करने की इस वीडियो में, लेकिन आई थिंक ड्यू टू सम इश्यूज हम सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ ही कर सकेंगे। ओके, फॉर देर इज़ अ क्यूरियोसिटी अबाउट इंटेलेक्चुअल मैटर्स व्हिच इज़ फ्यूटाइल एंड मेरली अ डिजीज। अब कह रहा है कि क्योंकि क्यूरियोसिटी है इंटेलेक्चुअल मैटर्स के बारे में, जो इंटेलेक्चुअल मैटर्स हैं उनके बारे में भी क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उन्हें भी अलग नज़र से देखा जाता है, और वो क्यूरियोसिटी क्या है, वो फ्यूटाइल है, ठीक है, बंजर, कुछ भी नहीं है। एंड मेयरली अ डिजीज़, वो सिर्फ एक बीमारी है। एंड सो देर इज़ अ क्यूरियोसिटी, सर्टेनली अ क्यूरियोसिटी, और इसी वजह से यहाँ पर यकीन है एक क्यूरियोसिटी है। कौन सी क्यूरियोसिटी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, अ डिज़ायर आफ्टर सीइंग थिंग ऑफ माइंड सिंपली फॉर देयर ओन सेक एंड फॉर द प्लेजर्स ऑफ सीइंग एज दे आर, मीन्स चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है, इस ख्वाहिश के बारे में भी एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है। अब चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, बगैर किसी दूसरी सोच के, बगैर किसी प्री ऑक्यूपाइड माइंड आइडियाज़ के, वो तो ऐसे हो जाएगा ना, वो तो साइंटिफिक पैशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसे क्यूरियोसिटी कहा जा रहा है। ओके, क्यों कहा जा रहा है आगे ये इसे भी एक्सप्लेन करेगा। विच इज़ एन इंटेलिजेंट बींग नेचुरल एंड लॉडेबल, जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान में कुदरती तौर पर होती है, हर चीज़ों को जैसी वो है वैसी ही देखना, इसे भी इसने यहाँ पर क्यूरियोसिटी कहा है। लेकिन अब आगे ये इसकी वजाहत करेगा, इसे एक्सप्लेन करेगा। अब आगे ये कह रहा है ने, ठीक है, वर्ड ने का मतलब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसे चीज़ों को देखना ना जैसी वो हैं उनको वैसे ही देखना, ये एक इंटेलिजेंट इंसान की खूबी होती है, क्वालिटी होती है, इसे हम क्यूरियोसिटी नहीं कह सकते, ठीक है। एंड द वेरी डिज़ायर टू सी थिंग्स एज दे आर इम्प्लाइज अ बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ माइंड व्हिच इज नॉट ऑफन अटेंड विदाउट फ्रूटफुल एफर्ट्स। अब ये कह रहा है कि चीज़ों को देखना वैसी ही देखना जैसी वो हैं, ठीक है, अपना व्यू इन्वॉल्व नहीं करना उसने, लेकिन उन्हें वैसी देखो जैसी वो हैं, भले हमने हमारी उन चीज़ों के साथ कोई दुश्मनी हो, हम उन्हें डिसलाइक करते हो, लेकिन हमने उन्हें वैसी ही देखना है जैसी वो हैं। ये हमें क्या करती हैं, ऐसा करने के लिए हमें
माइंड का एक बैलेंस चाहिए होता है, रेगुलेशन चाहिए होता है, फ्रूटफुल एफर्ट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। इसे हम क्यूरियोसिटी नहीं कह सकते, इन लाइंस में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एंड विच इज द वेरी अपोजिट ऑफ ब्लाइंड एंड डिजीड इम्पल्स ऑफ माइंड विच इज वाट वी मीन टू ब्लेम वैन वी ब्लेम क्यूरियोसिटी। अब वो कह रहा है कि जब हम क्यूरियोसिटी को ब्लेम करते हैं ना, जब हम वर्ड क्यूरियोसिटी को बुरा भला कहते हैं, तो इसका मकसद होता है कि हम किस चीज़ को बुरा भला कह रहे हैं, डिजीज्ड इम्पल्स ऑफ माइंड, दिमाग के अंदर जो बुराइयाँ भरी हुई होती हैं ना, जो बीमारियाँ भरी हुई होती हैं, उनको हम बुरा भला कह रहे होते हैं, ठीक है। और चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये तो पहले आपको बता दिया कि फ्रूटफुल एफर्ट्स के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज़ अपोजिट है, इसके अपोजिट है क्यूरियोसिटी के अपोजिट, जिसने पहले कहा था ना सर्टेनली क्यूरियोसिटी, कि फिर एक और क्यूरियोसिटी है टू सी थिंग्स एज दे आर, लेकिन अब इसने कह दिया कि वो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो फ्रूटफुल एफर्ट्स ऑफ माइंड है, ठीक है। और जब हम क्यूरियोसिटी को ब्लेम करते हैं तो हम एक्चुअली ब्लेम किस चीज़ को कर रहे होते हैं, ब्लेम किस चीज़ को कर रहे होते हैं, ब्लाइंड एंड डिजीड इम्पल्स ऑफ माइंड को, इस चीज़ को हम ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे ये कोटेशन बता रहा है एक राइटर की, मोंटेस्क्यू सेज द फर्स्ट मोटिव व्हिच ऑट टू इम्पल्स अस टू स्टडी द डिज़ायर टू ऑगमेंट द एक्सीलेंट ऑफ अवर नेचर। अब इसने क्या कहा था, द फर्स्ट मोटिव, पहला मकसद, व्हिच ऑट टू इम्पेल अस टू स्टडी, जो हमें पढ़ाई की तरफ स्टडी करने की तरफ इम्पेल करे, वो पहला मकसद क्या होना चाहिए, जो हमें उकसाए कि तुम पढ़ो, ठीक है, वो डिज़ायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। कैसी ख्वाहिश होनी चाहिए, टू ऑगमेंट द एक्सीलेंस ऑफ अवर नेचर, ठीक है। कैसी ख्वाहिश होनी चाहिए, वो जिसमें हम अपनी नेचर की एक्सीलेंसी, ठीक है, शानदार जी जो है, जो अच्छे स्पेक्ट्स जो हैं उन्हें ऑगमेंट करें, मीन्स बढ़ाएं, इंक्रीज करें। ये कोटेशन, इस कोटेशन में फर्स्ट मोटिव आ गया है अब कल्चर का, कैसे आ गया है वो हम आगे जाकर आपको बताते हैं। एंड टू रेंडर एन इंटेलिजेंट बींग येट मोर इंटेलिजेंट, और एक इंटेलिजेंट इंसान को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना, यह फर्स्ट मोटिव होना चाहिए स्टडी करने में, ठीक है। अब देखो आगे, दिस इज़ द ट्रू ग्राउंड टू असाइन फॉर द जेन्युइन साइंटिफिक पैशन। अब कह रहा है कि यही एक ट्रू ग्राउंड है, यही एक अच्छा ग्राउंड है, यही एक हकीकी ग्राउंड है, बेस है, जिसमें हम साइंटिफिक पैशन पा सकते हैं, टू असाइन फॉर द जेन्युइन साइंटिफिक पैशन, ठीक है। इसी में हमें जेन्युइन साइंटिफिक पैशन मिलेगा, जो बिल्कुल नेचुरल है। However, manifest for culture viewed simply as the fruit of this passion, और culture जो है वो भी इसी passion का fruit है, ठीक है, फल इसी passion का, किस passion का, genuine scientific passion का, ठीक है, किसका, to render an intelligent yet more intelligent, ठीक है। अब ये यहाँ पर culture कैसे बनता है, culture क्या है, उसकी definition सारी होंगी। And it is a worthy ground, और यह ग्राउंड वर्दी भी है, लाइक भी है, इवन दो वे लेट द टर्म क्यूरियोसिटी स्टैंड टू डिस्क्राइब इट। और हमने क्या किया, हमने जो टर्म क्यूरियोसिटी है उसे खड़ी कर दिया कि तुम कल्चर को डिस्क्राइब करो, लेकिन कल्चर क्या है, जिसका फर्स्ट मोटिव क्या है, टू रेंडर एन इंटेलिजेंट येट मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, साइंटिफिक पैशन। कल्चर का मोटिव तो ये है, लेकिन डिस्पाजर्स जो है उन्होंने क्या बता दिया, कल्चर का मोटिव क्यूरियोसिटी, उन्होंने कहा कि क्यूरियोसिटी कल्चर को डिफाइन करेगी, लेकिन आर्नल्ड कह रहा है कि कल्चर को डिफाइन कौन करेगा, जेन्युइन साइंटिफिक पैशन, ठीक है, कौन करेगा कल्चर को डिफाइन, कल्चर क्या चीज़ है, जिसमें रेंडर एन इंटेलिजेंट बींग येट मोर इंटेलिजेंट, ठीक हो गया यहाँ तक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो चीज़ समझ नहीं आए वो आप लोग काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करके समझा दी जाएगी, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी इसका जो सेकंड पार्ट होगा, तब तक आप वीडियो को कमेंट करके बता दीजिएगा जो चीज़ आपको समझ में आए। पैराग्राफ थ्री शुरू हो रहा है कल्चर की एक्चुअल डेफिनेशन से, ठीक है, बट देयर इज ऑफ कल्चर अनदर व्यू। अब कह रहा है कि कल्चर का एक और व्यू भी है,
इन विच नॉट सोलेली द साइंटिफिक पैशन, जिसमें सिर्फ साइंटिफिक पैशन ही नहीं है, टू शी डिजायर द थिंग्स एज दे आर, जिसमें सिर्फ ये नहीं है कि चीज़ों को वैसे ही देखो जैसे वो हैं, नेचुरल एंड प्रॉपर इन एन इंटेलिजेंट बींग, और ये व्यू एक इंटेलिजेंट बींग में जैसे आपको मैंने पहले बताया नेचुरल है और प्रॉपर है, क्योंकि कुदरती तौर पर इंटेलिजेंट इंसानों में ये होता है वो चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसी वो हैं, अपीयर एज द ग्राउंड ऑफ इट, इसके ग्राउंड पर अपीयर होता है। अब इसकी पूरी की मीनिंग करते हैं, अब ये इसमें यही कह रहा है कि कल्चर का सिर्फ ये एक ही मकसद नहीं है कि चीज़ों को वैसे देखो जैसी वो हैं, जैसे एक इंटेलिजेंट इंसान देखता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ साइंटिफिक पैशन होता है, लेकिन एक कल्चर का और व्यू भी है, ठीक है, देयर इज़ अ व्यू, एक और व्यू भी है, एक और नज़रिया भी है, इन विच ऑल द लव ऑफ आवर नाइबर, द इम्पल्सिस टुवर्ड एक्शन, ठीक है, अमल करने की तरफ जो इम्पल्सिस है वो हेल्प, मदद करना, एंड बेनिफिशियन, ठीक है, द डिज़ायर ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एरर, जिसमें दूसरे व्यू में क्या है, डिज़ायर फॉर रिमूविंग ह्यूमन एरर, यह भी कल्चर की डेफिनेशन, ठीक है, इंसान ज़ात की जो एरर है, जो गलतियाँ हैं उन्हें रिमूव करना, क्लियरिंग ह्यूमन कन्फ्यूजन, जो इंसानों को कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर करना, एंड डिमिनिशिंग ह्यूमन मिजरीज, इंसान ज़ात की जो मिजरीज है, जो सफरिंग्स हैं उन्हें ख़त्म करना, द नोबल इंस्पिरेशन टू लीव द वर्ल्ड बेटर एंड हैप्पियर देन वी फाउंड इट, और ये एक नोबल इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए हमने, ठीक है, जज्बा होना चाहिए हमने, जिसमें क्या हो कि जैसा हमने वर्ल्ड को पाया है ना, हासिल किया है, उससे बेटर बनाकर हम उसे छोड़ें दुनिया को, ठीक है, उससे कमतर करके नहीं छोड़ें, अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो हम उसे परफेक्ट करके छोड़ें, बेटर करना मीन्स परफेक्ट करना, ठीक है, ऐसे ना हो हम उसे ख़राब करके आगे किसी को दे दें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिव्स एमिनेंट रिसर्चर कॉल सोशल, ओके, और इसके ये जो मोटिव्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, जो सोशल मोटिव्स हैं, ठीक है, एमिनेंटली मोटिव हैं, नुमाया मोटिव हैं इसके, जो नुमाया मकसद हैं इसके वो सोशल, सोसाइटी, ठीक है, मुआशरा, कम एज इन पार्ट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ कल्चर, कल्चर के ग्राउंड का एक पार्ट है ये भी, एंड द मेन एंड प्री एमिनेंट पार्ट, बहुत मेन, बहुत अहम और प्री एमिनेंट हिस्सा है ये, ठीक है, अब इसमें क्या कह दिया इसने, पहली में हमने देखा कि सिर्फ इसने पहले हमें बताया कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ प्रोफेशन, ये वाली डेफिनेशन अभी आगे आएगी, ठीक है, पहले इसने बताया साइंटिफिक पैशन, अब साइंटिफिक पैशन के साथ एक और डेफिनेशन इसने मिला दी, वो कौन सी मिला दी, यही कि जिसमें हम ह्यूमन जो मिजरीज हैं उन्हें हम डिमिनिश करेंगे, उन्हें ख़त्म करेंगे, हम क्लियर करेंगे सबकी कन्फ्यूजन को, ह्यूमन एरर को रिमूव करेंगे, ठीक है, और दुनिया को हम उससे बेहतर छोड़ेंगे जैसा हमने हासिल किया। कल्चर इज देन प्रॉपरली डिस्क्राइब नॉट हैविंग इट्स ओरिजिन इन क्यूरियोसिटी, अब वही बात कर दी, फिर क्यूरियोसिटी वर्ड आ गया, अब कह रहा है कि इसलिए कल्चर को प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है ना, तो फिर इसका ओरिजिन क्यूरियोसिटी नहीं है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्यूरियस चीज़ें नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, बट एज हैविंग इट्स ओरिजिन इन द लव ऑफ परफेक्शन, कल्चर तो वो है जो चीज़ों को परफेक्ट कर दे, इम्परफेक्ट चीज़ों को क्या कर दे, परफेक्ट कर दे, ठीक है, और डिस्पार्जर्स ने क्या बताया कि इसका मोटिव है कि क्यूरियोसिटी, नहीं इसका मोटिव है लव ऑफ परफेक्शन। अब ये है मोस्ट फेमस डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय मैथ्यू आर्नल्ड, इट इज़ अ स्टडी ऑफ परफेक्शन, कल्चर क्या है, ये परफेक्शन की स्टडी है, जो हर चीज़ों को परफेक्ट कर दे बस, इट इज़ मूव बाय द फोर्स नॉट मेयरली प्राइमरली ऑफ साइंटिफिक पैशन, ये जिस फोर्स से मूव होता है, आगे बढ़ता है जिस जज्बे से, वो सिर्फ साइंटिफिक पैशन नहीं है, फॉर प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज, खालिस नॉलेज जो है उसे हासिल करने का जो साइंटिफिक पैशन है, यही इसमें सिर्फ नहीं है कल्चर में, बट ऑल्सो ऑफ द मॉरल एंड सोशल पैशन फॉर डूइंग गुड। अब देखो एक चीज़ और ऐड कर दी यहाँ पर इसने, पहले हमने देखा था साइंटिफिक पैशन, उसके बाद हमने देखा था सोशल, अब मॉरल भी आ गया साथ में, ठीक है,
तो कल्चर को मूव करने के लिए हमें कौन सी पोस्ट चाहिए होती है? साइंटिफिक पैशन भी होना चाहिए, मॉरल एंड सोशल पैशन भी होना चाहिए फॉर डूइंग गुड, ठीक है, तभी हम कल्चर को आगे मूव कर पाएंगे, ठीक है, वरना हम सिर्फ एक ही पोस्ट से कल्चर को मूव नहीं कर पाएंगे। एज इन द फर्स्ट व्यू ऑफ इट वी टुक फॉर द वर्दी मोटो मोंटेस्क्यूस वर्ड्स टू रेंडर एन इंटेलिजेंट येट मोर इंटेलिजेंट। अब कह रहा है कि इसके पहले मकसद में हमने क्या लिया था, मोंटेस्क्यू की हमने वर्ड्स लिए थे, उसकी कोटेशन ली थी, जो फर्स्ट मोटो था कल्चर का वो क्या था, टू रेंडर एन इंटेलिजेंट बींग येट मोर इंटेलिजेंट, ताकि एक जो इंटेलिजेंट है उसे और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाया जाए। सो इन द सेकेंड व्यू ऑफ इट, अब कह रहा है कि इसका जो दूसरा व्यू है ना, दूसरा नजरिया है कल्चर का, उसमें हम क्या करते हैं, देयर इज नो बेटर मोटो, यहाँ पर कोई भी बेहतरीन मोटो मकसद नहीं हो सकता, किससे, व्हिच इट कैन हैव देन दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स से, इन अल्फाजों से, किसके अल्फाज, ऑफ बिशप विल्सन, बिशप विल्सन के अल्फाजों से, ठीक है, वो अल्फाज कौन से हैं, अब टू मेक रीजन एंड विल ऑफ गॉड प्रिवेल, रीजन बनाओ और खुदा की विल को प्रिवेल कराओ, फैला, ठीक है। अब कल्चर के हमारे पास दो मोटिव आ चुके हैं, पहला मोटिव कल्चर का क्या था, टू रेंडर एन इंटेलिजेंट येट मोर इंटेलिजेंट, अब दूसरा मोटिव इसका क्या है, टू मेक रीजन एंड विल ऑफ गॉड प्रिवेल, ठीक है। अच्छा अब ये ऐसा क्यों कह रहा है कि रीजन भी होनी चाहिए और विल ऑफ गॉड प्रिवेल, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो एज बैकग्राउंड है ना, अगर एज बैकग्राउंड में हम देखेंगे तो ये विक्टोरियन एरा में लिखा गया था मैथ्यू आर्नल्ड की जानिब से, ये जो स्वीटनेस एंड लाइट है, और उस एरा में क्या हो रहा था, उस एरा में रिलीजन और साइंस का बहुत ज़्यादा टकराव था, ठीक है, और ये एक मिडल वे दे रहा है दोनों चीज़ों को, रीज़न साइंस को भी और विल ऑफ गॉड रिलीजन को भी, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलें, ये सोसाइटी को रिफॉर्मेशन रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक चौस से बचाने की कोशिश कर रहा है, एक झगड़े से बचाने की कोशिश कर रहा है, साइंस और रिलीजन का जो झगड़ा था, जो टकराव था, उससे बचाने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाएं, ठीक है, इक्वली दोनों चीज़ों को लेकर चलो, ये कल्चर का मोटिव है, लेकिन उस एज में सबने कल्चर छोड़ दिया था, तो इसी वजह से उस एज में बहुत सारे चौस थे, बहुत सारे झगड़े थे, महम थे, ठीक है, तो इसलिए ये अब ये चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी शॉर्ट करके जाऊँगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 3 पैराग्राफ ही कवर किए हैं, जबकि इस एसे में 33 पैराग्राफ्स, तो अब सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी उनको ही नेक्स्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लेंदी हो रही है, तो इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी 3 पैराग्राफ्स में आपको बताना, इसलिए ये इनमें से तकरीबन एक दो लाइन्स ही मैंने मिस की हैं इन पैराग्राफ्स में से, ताकि आपको अच्छी तरह से स्टार्टिंग से समझ आ जाए। अब अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो आगे आप टेक्स्चुअल रीडिंग करेंगे, आपको और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी तो हमने अपने टॉपिक पर भी जाना है, इस हिस्से का जो टॉपिक है स्वीटनेस एंड लाइट, इसे स्वीटनेस एंड लाइट क्यों कहा गया, स्वीटनेस और लाइट कहाँ से आया, ठीक है, इसके ओरिजिन में भी हम जाएंगे। सो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें, आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।